ये तो इन्होंने एक थप्पड़ मारा, इसके बाद छूट नहीं देनी चाहिए, इसके बाद रिपोर्ट करनी चाहिए कि अगली बार वो आप जैसे किसी भी बच्ची को छेड़ने की हिम्मत न करे। अगर तुम अधर्माचरण करके आ रहे हो प्रवृत्ति, तो दंड ही तुम्हारी पूजा है, भले भगवान तुम्हारे अंदर है। किसने छेड़ दिया, इन्होंने थप्पड़ लगा दिया मान लीजिए, या कुछ अपशब्द बोल दिए कि जिससे वो आगे से ऐसा करे, पर बाद में उसी बात का चिंतन हो रहा है उसके प्रति? नहीं, चिंतन इस विषय का नहीं होगा कि हमने थप्पड़ क्यों मारा, नहीं, उसकी क्रिया थी, उसका क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ये तो इन्होंने एक थप्पड़ मारा, इसके बाद छूट नहीं देनी चाहिए, इसके बाद रिपोर्ट करनी चाहिए कि अगली बार वो आप जैसे किसी भी बच्ची को छेड़ने की हिम्मत न करे, क्षमा नहीं करना चाहिए। ये भी बात ध्यान रखो, उस समय नहीं कि भगवान इसमें है। अगर आप भगवान इस रूप में आकर ऐसे किए तो दंड रूप पूजा आपकी है, पहला तो हमारा एक्शन और दूसरा कानून का एक्शन, इससे ये जो मनचला स्वभाव है ना उनके पवित्र हो जाएंगे। दंड के द्वारा अपराध प्रवृत्तियों का संयमन होता है, वो प्रार्थना के द्वारा नहीं होता, वो दंड के द्वारा ही होता है। तो ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया भगवान करवा दिए, आगे बढ़ने का चांस नहीं देना चाहिए किसी को। अगर कोई अधर्म में आगे बढ़ रहा है तो उसके कदम रोकने चाहिए, उसके लिए विधान है, कानून है, उसके लिए विधान है। ऐसा नहीं है कि अधर्म तुम, फिर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो चाहो जैसे उपहास कर लो, जैसे चाहो वैसे आप बर्ताव कर लो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। हम भगत है इसका मतलब ही थोड़ी, हम भगवत भाव रखते हैं, लेकिन अधर्माचरण से तुम आओगे, जैसे हम तो भाव करते हैं, भीष्म जी एक पक्ष में, एक पक्ष में श्री कृष्ण तो बाण संधान करके मार रहे हैं ना श्री कृष्ण के प्रति, मार रहे हैं नहीं, बाण की वर्षा कर दी श्री कृष्ण के ऊपर और अस्त्र ग्रहण करना पड़ा विपक्ष। अगर तुम अधर्माचरण करके आ रहे हो प्रवृत्ति, तो दंड ही तुम्हारी पूजा है, भले भगवान तुम्हारे अंदर है, उसका विधान है ना, खेल है। तुम अगर चोर बन के आ रहे हो तो तुम्हारे लिए दंड विधान है, तुम पापात्मा बन करके आ रहे हो तो तुम्हारी दंड रूपी पूजा है, रोग बन के आ रहे हो तो औषधि रूपी पूजा है, साधु बन के आ रहे हो तो प्रणाम नमस्कार पूजा है, जैसे आ रहे हो वैसी पूजा। ऐसा नहीं हो भोलापन इतना नहीं कि कोई हमको जैसे चाहे वैसे बर्ताव करे, ऐसा भक्त नहीं होता। प्रवीण और सिंह दृष्टि सिंहवत, ये संसार है, अपने व्यवहार को एकदम सावधानी, आगे भगवान जैसा चाहे अपने व्यवहार में असावधान नहीं होंगे। व्यवहार जैसे बच्ची हो तुम चल रहे हो तो बहुत सावधानी से, अगर कोई 10 कदम तुम्हारे पीछे बच्चा चलता दिखाई, खड़े हो जाइए, ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां दो चार लोगों का सपोर्ट मिले, तत्काल एक्शन पे आइए। आप कैसे पीछे चल रहे हैं, नहीं ऐसे जा रहे हैं तो जाइए आप, और तत्काल सावधान। वहां भोलापन नहीं कि नहीं सब में भगवान है, ये नहीं, व्यवहार में कर्तव्य धर्म को देखना है। देखो ना जय विजय भगवान के पार्षद है, ये रावण कुंभकर्ण भगवान के पार्षद ही है, भगवान ने कहा हमारा तुम्हारा युद्ध तय, तो बोले खेल में आ जाओ, तो आ गए खेल में, ललकार ललकार कर लड़े, दोनों एक ही हैं, वो भगवान है, भगवान के पार्षद है, ये खेल है। अधर्माचरण करने वाले को दंड के द्वारा ही पवित्र किया जाता है, अगर ऐसा नहीं तो देखो फिर जरा सी छूट मिल जाने पर कैसी उदंडता बच्चियों के साथ होती है। तो हमें लगता है हर बच्ची को बहुत अलर्ट और सावधान और पहले ही कदम पर उसको रोक देना चाहिए। आपको पहले ही कदम में लग रहा है कोई पीछे लग रहा है, आप पहले घर वालों को तुरंत पुलिस को आजकल नंबर ऐसे है सूचित कीजिए और अपने को बचाव पक्ष में लाइए, आसपास जहां कहीं दुकान कहीं ऐसे अपना पहले जीवन सुरक्षित रखने के विचार में रहे, क्योंकि आजकल बहुत ही मन की मलिनताएं बढ़ रही हैं। साधुता अंदर का विषय, बाहर बहुत प्रवीण, बाहर अगर प्रवीणता नहीं दिखाई ना तो फिर संशय हो जाएगा भगवान है भी कि नहीं है, हो जाए ना संशय। हमें बहुत प्रवीणता से चलना है बच्चा, नाम जप करो और अलर्ट सावधान, व्यवहार में नहीं, व्यवहार में बिल्कुल जैसा जैसा व्यवहार दिखाई दे रहा है उसका तत्काल वैसे उत्तर, उसमें ऐसा नहीं कि उसमें हम ढीलापन, उसमें ऐसा तो आप या कोई दुनिया नहीं जो तुम्हें दुविधा या दुख दे सके। सावधान रहोगे, भजन करोगी, भगवान तो रक्षक है ही, वही बुद्धि में भी रक्षा रूप से बैठ जाते हैं बचाव पक्ष के लिए, लेकिन कभी ऐसे दबना नहीं चाहिए, निर्भय, ऐसा नहीं जरा सा भी कहीं तुम्हें किसी पर शंका जरा सा भी दिखाई दे तो क्षमा शब्द नहीं है, वहां दंड विधान में ही सावधानी होती है। महर्षि इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे करती हैं, बट जो काफी ज्यादा मात्रा में ऐसी हैं जो एक भय रखती हैं अंदर कि जैसे कि अगर हमने इनकी रिपोर्ट कर दी कल को, ये चलो अभी तो हो जाएगा इसका, कल को बाहर आके हमारे घर वालों को परिवार वालों को या मुझे क्षति पहुंचा सकता है ये किसी ना किसी रूप। तो अगर आप चुप रहते हैं तो कल वो दो बातें ज्यादा बढ़ा के कहेगा, परसों सामने खड़ा हो जाएगा, नर्सों आपको जो सोच रही थी कि क्षति पहुंचा देगा वो पहुंचा देगा। और अगर वो कानून के अंतर्गत आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आज तक आपने सुना क्या
कि जिस लड़की ने शिकायत किया उसके घर वालों को मार डाला या घर वालों को दंड दिया। और दूसरी बात यह है कि सत्य को भगवान सामर्थ्य देते हैं। अगर ऐसे डरोगे बच्चों तो फिर आगे वो जो उदंड बच्चे हैं उनको साथ एक बार पता चल जाए कि आप डर गए हैं, फिर बस फिर नहीं, डरना नहीं है। जरा से अभी कहीं कोई गलत दर्शन गलत स्पर्श आदि देखे तो तत्काल उसका विरोध करें, और विरोध में ही बचाव पक्ष ज्यादा है। अगर विरोध नहीं करोगे तो अगली बार से ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा, जो मन चला स्वभाव है उसको बढ़ावा मिल जाएगा। डरना नहीं चाहिए। बहुत जोर के कानून बने हैं माताओं बहनों की रक्षा के लिए, बहुत जोर के बने हैं। कोई गवाही की जरूरत नहीं, केवल इतना कह देने की जरूरत है कि हमें गलत ढंग से देख रहे थे, गलत ढंग से देख रहे थे, छूने की तो बात जाने दो, इतने में उनका हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए कभी गलत किसी को फंसाए नहीं, ये भी बात समझो, कभी कानून का दुरुपयोग न करे कि हम गलत किसी को दंड दे, द्वेष के कारण हम ऐसा कह दे। अगर कोई हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है तो हम उसके बचाव पक्ष में ऐसा करें। कभी ऐसा जैसे नहीं कि कुछ गलत ढंग से बच्चों को फंसा देना, ऐसा कभी ना करे, नहीं तो तुम उधर फंसाओगे, तुम्हारा कर्म तुम्हें फंसा देगा। और डरे भी ना, ऐसा कोई बहादुर नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी सोच नहीं चले, कोई ईश्वर है ऐसा नहीं, जितना विधान है उतना जीवन जी लो, चाहे पाप करके चाहे पुण्य करके, इसके बाद मृत्यु तो आनी ही आनी है, डरना नहीं। हम तो पक्की बात कहते हैं कि जब आप भजन करती हो तो भगवान सहयोगी है, डरना नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवान के विरुद्ध आकर हमको डर पहुंचा सके। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, पर प्रवीण रहो, प्रवीणता ना छोड़े उसमें। हमारा जहां तक प्रयास है हम बचाने करते आगे भगवान है। देखो वसुदेव जी ने जब देखा कि आकाशवाणी हुई कि अय कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, इसकी आठवीं संतान तेरा वध करेगी, कूद पड़ा, वही रथ हाँक रहे थे, पकड़ा केस देवकी को, तो क्रूर कर्मा था, और गर्दन काटने की तो रोक दिया। ऐसा आपको उचित नहीं है, आपको देवकी से तो भय नहीं ना, नहीं तो मैं वचन देता हूं, सत्यवादी सत्य वचन, वसुदेव जी के प्रसिद्ध थे कि प्रत्येक संतान आपके सामने लाएंगे, आपको संतान से भय, आप संतान मार देना। देव वहां लिखा है कि अगर भय का समय उपस्थित हो तो किसी भी तरह विवेक पूर्वक पहले अपने को बचाना चाहिए, बाद में क्या होगा वो अलग निर्णय। तुरंत वचन दिया कि एक एक संतान आपके पास सामने लाएंगे, ये वचन देता हूं, आप देवकी को छोड़ दो, क्योंकि देवकी से कोई वैर नहीं, संतान से है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती तो हम विवेक के द्वारा पहले उस परिस्थिति को बचाना चाहिए, उस परिस्थिति से हम अपने को बचाए, डरना नहीं चाहिए कि आगे क्या होगा, और आगे वही हुआ जो आकाशवाणी ने कही थी।